नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आप सब इंडिया स्पीक्स डेली के दर्शक हैं, पाठक हैं, और मेरी जो जिम्मेदारी है आपके प्रति बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको फेक न्यूज से, फेक जो ये प्रोपगंडा चल रहा है, एजेंडा चल रहा है, उससे हमेशा सावधान करता रहूं। वो किसी भी तरह का एजेंडा हो, किसी भी ओर से एजेंडा हो, मेरे पाठक, मेरे दर्शक जो इतने लंबे समय से मुझे जानते हैं, उनको मालूम है कि मैं फेक न्यूज को एक्सपोज करके उन्हें चाहता हूं कि उन्हें सही न्यूज पता चले। आज दो जो घटनाएं हैं आपको मैं बताऊंगा कि इंडिया स्पीक्स डेली ने लगातार उसे उठाया, पंचमक्कारों को एक्सपोज किया, और आज ये पुनः साबित हुआ कि इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता आपके हित में है, यानी जनहित में है, सनातन के हित में। आप ध्यान है अभी कि 7 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत सहित हमारे 13 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो हमारे जवानों को, सेना अधिकारियों को ले गया। मैंने इस पर 7 तारीख को आपको एक वीडियो दिया था कि ये इसमें कोई साजिश तो नहीं है। आपको ध्यान होगा, वो वीडियो इसी 7 तारीख को दिया था, इसमें कोई साजिश तो नहीं है। उसका आकलन मैंने यहाँ के जो कम्युनिस्ट अखबार हैं उसके आधार पर किया था, और मेरा जो अंदेशा था, जो संदेह जिसको आप कहेंगे, वो संदेह चाइना के प्रति है, आज भी है। ये जो आपको दिया था मैंने, अब चाइना के प्रति इसलिए है क्योंकि जनरल विपिन रावत जी लगातार जो भारत और चाइना का जो ये जो संघर्ष चल रहा है, उसमें भारत को लीड भूमिका में भारत जाए, इसके लिए जनरल बिपिन रावत जी का की बड़ी भूमिका थी, बड़ा योगदान था। और आप सब जानते हैं, वो डोकलाम विवाद हो चाहे गलवान घाटी हो, दोनों जगह हमारे जो ये विवाद बढ़ा चाइना के साथ, तो जनरल रावत की बड़ी भूमिका थी और चाइना को पीछे जाना पड़ा। उसके बाद चाइना अपने हाइब्रिड वॉर जो होता है और प्रोपोगंडा वॉर, उसके तरीके से वो आगे जुटा। और आपने देखा होगा कि जनरल बिपिन रावत के विरुद्ध कई तरह के फर्जी खबरें भी उनके लाइफ में चलाए गए। वो फर्जी खबरें चलाने वाले कौन लोग थे, उसमें अगर हम फिर से डीप जाते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में जो कम्युनिस्ट प्रोपोगंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कम्युनिस्ट माउथपीस मीडिया हाउस इसको आगे बढ़ा रहे थे। जब 7 तारीख को हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो वही कम्युनिस्ट माउथपीस, चाइना का के कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस जो भारत में है, उन लोगों ने विपिन रावत के प्रति ना अपनी घृणा को छुपाया और ना अपने एजेंडे को छुपाया। आपको मैंने बताया था कि इसमें एबीपी न्यूज जो है, उस पूरे मामले को पाकिस्तान के लाइन को लेते हुए, और जो दक्षिण में एलटीटी लड़ाके हैं, तमिल लड़ाके हैं, उसकी तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहा था, जो इतने दिन बीतने के बावजूद ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है। ये लीड पाकिस्तान ने चलाया था, ठीक है, उसको एबीपी ने चलाया। फिर आपने देखा होगा कि द टेलीग्राफ, जो आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप क्या है, द टेलीग्राफ, उसने भी जनरल रावत के प्रति उस संवेदना के साथ खबरें नहीं की थी। और फिर आपको मैंने हिंदू अखबार का उदाहरण दिया था। हिंदू अखबार ने रावत एंड 12 अदर किल्ड जो है, मैंने आपको इस पे पूरा किल्ड रावत ये समझाया था आपको, और ये बात सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर उठी, जिसके कारण हिंदू अखबार को सफाई पेश करने आना पड़ा, और बहुत ही बेशर्मी के साथ, धृष्टता के साथ, बेहयाई के साथ हिंदू अखबार ने ये कहा कि वो एज ए हमारे हिंदू अखबार में जनरल रूल है कि वो किसी की होरिफाइंग द रैंक और डेजिग्नेशन हेडलाइंस में नहीं डालते। यानी एक बात इससे क्लियर हुआ कि हिंदू ने जानबूझकर, जो मैंने आपको कहा, वो अपने घृणा नहीं छुपाते, हिंदू ने जानबूझकर रावत लिखा, ये तय हो गया। ये हिंदू के इस स्पष्टीकरण से तय है कि हिंदू ने रावत, जनरल रावत के प्रति घृणा प्रदर्शित करते हुए रावत लिखा, और इस बात को वो छुपा नहीं रहा है कि एक गलती हो गई। वो कह रहा है कि हम इसको हॉरिफाई नहीं, ऑनोरिफाई नहीं करते, डेजिग्नेशन को हेडलाइंस में हम डेजिग्नेशन नहीं लगाते। तो वो इसका मतलब है, वो जानबूझ के कर रहा था। और आपको ध्यान होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो वार्षिक प्रोग्राम होते हैं, उसका सबसे बड़ा विज्ञापन, कई कई पेज का विज्ञापन हिंदू अखबार में ही छपता है, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी का विज्ञापन। तो
चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी का अलाई है यहां पर हिंदू अखबार, इसमें कोई शक नहीं। अब ये जो हिंदू ने कहा, इसको अगर हम कहूंगा मैं कि दूसरा दिखाए स्क्रीनशॉट आपको, ये बात आप कह सकते हो कि ठीक है जी अखबार की पॉलिसी, इसमें आप क्या बोलते हो। लेकिन जब वो जनरल बाजवा लिखता है, जनरल बाजवा विजिट रियाद, ये देखिए, तब हिंदू का एक्सपोजर हो जाता है कि हिंदू पाकिस्तान के सेना प्रमुख के लिए जनरल बाजवा लिख रहा है और हमारे सीडीएस के लिए सिर्फ रावत लिख रहा है। तब आपको ये एक्सपोज आप हो जाएगा कि हिंदू किस तरह से प्रोपगंडा कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो भारत में कल आपको और बताया था हमने एक्सपोज करके कि ये मीडिया ने जो घृणा भारत भारतीय सेना के प्रति जो घृणा प्रदर्शित करने वाले इमोजी चलाए गए थे, उसमें किन किन पत्रकारों के वेब पोर्टल्स की बड़ी भूमिका थी, इसको पुष्ट करने में कल आपको इस पर हमने वीडियो दिया था। तो ये बात एक तय हुआ। अब आपको एक और हम दिखाते हैं अखबार जो है, अखबार का कटिंग दिखाए हिंदू का, कि हिंदू फिर से पकड़ में आ रहा है अपनी एक झूठ को, फिर से पकड़ में आ रहा है। एक अखबार की कटिंग होगी बड़ी सी, दिखाओ जरा। तो भारतीय, ये देखिए, अब इसको बड़ा करो जरा, अपोजिशन जरा बड़ा करो, अपोजिशन सस्पेंड प्रोटेस्ट टू मोरन जनरल रावत। यानी हिंदू फिर पकड़ा गया, यानी हिंदू जनरल रावत के प्रति घृणा जो प्रदर्शित कर रहा है उसकी, वो खुद पकड़ा गया कि वो सेना प्रमुख को भी जो है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को वो लिख रहा है जनरल बाजवा, और भारत के जो सीडीएस को वो लिख रहा है सिर्फ रावत, उनकी मृत्यु पर, उनकी मृत्यु पर। और उसके बाद अपोजिशन, जब हम देखते हैं कि वो झूठ बोल रहा है कि हम नहीं लगाते किसी में जनरल उमरल, तो एक बाजवा के मामले में झूठ हुआ, दूसरा जनरल रावत के पर जो पुरानी खबरें हैं उसमें साफ दिखा रहा है कि अपोजिशन जब इनके खिलाफ, जनरल रावत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, अब आपको पता चलेगा कि अपोजिशन जनरल रावत के विरुद्ध था, हिंदू अखबार जनरल रावत के विरुद्ध था। और ऐसा क्यों था? अपोजिशन में भी इस फोटो में देखें तो आपको आनंद शर्मा, मल्लिकार्जुन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब आपको दिखेंगे, अधिरंजन चौधरी दिखेंगे। वो क्यों थे? क्योंकि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस ने 2008 में गुप्त समझौते किए थे। इसलिए मेरा संदेह अब साफ होता जा रहा है कि चाइना इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के पीछे है, ये मेरा आरोप है, आप कह सकते हैं मेरा आरोप है। और जनरल रावत जो बहुत मजबूती से चाइना को धराशायी करने की भूमिका में थे, उसके प्रति जो अपने अलाई पार्टनर कांग्रेस, आप देख लीजिए कांग्रेस को भी उतारा गया था पहले, हिंदू को भी उतारा गया, सारे अलाइज पार्टनर को। और यहाँ इस हेडिंग में जो जनरल रावत हिंदू लिख रहा है, वो दिखाना चाह रहा है कि अपोजिशन सेना के विरुद्ध, इसलिए वहां जनरल रावत लगाता है, परंतु उनके मृत्यु पर वो लगाता है सिर्फ रावत। फिर से देखिए, तो आपको 7 तारीख का, अगर आप लोग देख, आपने देखा होगा, तो मैं, मेरा काम है आपको दर्शकों को और अपने पाठकों को उस फेक एजेंडा से हमेशा सावधान रहो। इसलिए कम्युनिस्टों के जो शब्द हैं, उनकी जो सोच है, आप कहानी कम्युनिस्टों की अगर मेरे लिखी पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उनको मैं डीपली जानता हूं, कि वो किस तरह से सोचते हैं। और वो बात आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने बाद नहीं, साल भर बाद, जो मैंने आपको कहा है वो बात सच साबित हो जाती है। ऐसा नहीं कि मुझे, क्योंकि उनकी स्टडी मेरी बहुत गहरी है, और आज आपको ये साबित हो जाएगा कि जो हिंदू ये नफरत फैला रहा था, कभी विपक्ष ये नफरत फैला रहा था, वो वास्तव में, अब आपको एक संदेह आपको करना चाहिए कि ये चाइना के द्वारा था, प्रायोजित था। कांग्रेस पार्टी 2008 में चाइना के साथ गुपचुप समझौता करने वाली, द हिंदू अखबार चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रोग्राम होता है उसका यहाँ विज्ञापन बड़े पैमाने पर छापने वाली, और ये पूरा लॉबी, क्योंकि चाइना को पीछे हटना पड़ा, डोकलाम विवाद हो अथवा गलवान घाटी हो, और गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने तो उनकी कई गर्दनें तोड़ी, और हमारे यदि 20 जवानों का बलिदान हुआ तो उसके 100 से ज्यादा। और आपको ध्यान होगा कि वहां के सैनिकों के जो कब्र हैं,
उस पर ब्लॉग लिखने वाले को चाइना ने वहां बंद कर दिया, जेल में ठोस के रख दिया है। तो चाइना को भारी नुकसान हुआ, इसलिए चाइना ने हाइब्रिड वार क्या है, ये भी आपको इंडस्ट्री टेली पे एक लेख जो है साभार जो है लेख बहुत अच्छा लेख दिया गया है। तो हाइब्रिड वार का ये टैक्टिस है वो भारत के प्रोपोगंडा में, ताकि जनरल रावत के प्रति नफरत भारत में पैदा किया जा सके। अपोजिशन हरे टिड्डे और लाल टिड्डे मिलकर जनरल रावत के प्रति, अपोजिशन की वो पार्टियां जो इसको सर, अभी जो आपको ध्यान होगा कि गोवा में प्रियंका वड्रा नाच रही थी, उनके संवेदना नहीं आई, लखीमपुर खीरी और कहाँ कहाँ दौड़ रही है, बॉलीवुड की संवेदना नहीं आई, आपने देखा वायरतार सिद्धार्थ इन सब की। तो जनरल रावत ये चाइना का बड़ा फंडिंग काम कर रहा है इस भारत में। जनरल रावत जो प्रतिरोध के प्रतीक बने हुए थे चाइना के, उनकी मृत्यु का इन लोगों ने जश्न मनाया है। और निश्चित तौर पर उनके बलिदान में कहीं ना कहीं मैं मान नहीं सकता कि इतना सेफ हेलीकॉप्टर ऐसे गिर गया, ये कभी जांच नहीं होगा, ना लाल बहादुर शास्त्री की तरह ये की मृत्यु की तरह वो सच कभी सामने आएगा, ना सुभाष चंद्र बोस जी की गायब होने की वाला सच की तरह ये कभी सामने आएगा। परंतु ये बात है कि चाइना की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि उसके एजेंट यहाँ संदिग्ध भूमिका में दिख रहे हैं। इसलिए मैं इसको किसी भी तरीके से खारिज नहीं करूंगा कि 7 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हुआ वो साजिश नहीं थी, मैं इसको खारिज नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से, मेरे आरोप के मुताबिक मैं आरोप लगा सकता हूं कि इसमें चाइना की कहीं ना कहीं साजिश थी, क्योंकि उसके एजेंटों का मुखौटा यहां नुच गया है। अब दूसरी ओर चलते हैं, और एक और आपको मैंने सावधान किया था, और याद है मुझे उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए कोरोना के सेकेंड वेव में बड़े पैमाने पर जो है बहती लाशों की तस्वीर दिखाई गई थी आपको, और आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले इंडिया स्पीक्स डेली ने एक वीडियो सीरीज किया, और बाद में फिर दैनिक जागरण में ये खबर भी छपी। और आपको देखिए मैंने लिखा था आईएसडी की एक और खबर पर मुहर, आप देखिए ऊपर हेडिंग दैनिक जागरण में, फिर उसके 10 दिन बाद, और फिर दैनिक जागरण ने जो बड़ी सीरीज की तो वो बड़ा अखबार है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो आपको देखिए हेडिंग में आईएसडी की एक और खबर पर मुहर, यानी आईएसडी आपको जो लगातार कह रहा था उसको आगे जब जांच हुआ तो ये बात सीधे आया कि गंगा में जो बहती लाश है वो परंपरा के तहत हर साल बहती रही है, कोरोना की लाश नहीं है, जिसके लिए गिद्ध पत्रकार बरखा दत्त आदि ने प्रयास किया। आज फिर कुछ साबित हुआ जो दिखाता हूं, लेकिन उस समय की बरखा आदि की रिपोर्टिंग देखिए, श्मशान घाट में बैठकर, श्मशान स्थल पर बैठकर बरखा आदि ने जो प्रोपगंडा किया आप देखिए उस समय भी, अब मैंने उसको जवाब भी दिया है। तो उस समय बहती लाशों को लेकर मैंने जब लिखा कि ये परंपरा से हर साल हो रहा है, 15 के उदाहरण दिए, 14 के उदाहरण दिए, मुझे पंचमक्कारों ने लाश गिनने वाला, लाश पर चमचागिरी करने वाला योगी का क्या क्या नहीं कह दिया, मैंने बरखा दत्त को तब जवाब भी दिया था, ये ट्वीट देखिए नरेंद्र ने, मेहनत से बड़ा ढूंढा है। अब आज की खबर देखिए आप, आपको आज आज के दो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, और ये मेरे मित्र जो है सोशल मीडिया पे है, उन्होंने इसको जारी किया है, और वो खबर मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट आपको, ये तब आपको समझ में आएगा कि ये लोग कैसे किस तरह से, ये हमारे मित्र अविनाश श्रीवास्तव ने इसको जारी किया है। अब अविनाश श्रीवास्तव ने जो जारी किया है मैं कहूंगा नरेंद्र को दिखाने के लिए, कि आपको ध्यान होगा कि एक समय कोर्ट ने भी ये बात कहा था, और कोर्ट में याचिका डाली गई थी योगी जी के खिलाफ, आपको ध्यान होगा, तो ये डाली गई थी और कोर्ट ने कहा था, तो ये दो दिखाओ उसी में, हाँ ये जो है। तो अब आप देखिए पहले आपको ये रिपोर्ट क्या है ये मैं दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट कह रही है कि ये रिपोर्ट कह रही है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है नो कोविड ट्रेसेस इन गंगा आफ्टर बॉडी फाउंड फ्लोटिंग सीएसआईआर लैब। तो सीएसआईआर लैब में ने इसकी जांच की कि जो 50 बॉडी गंगा में डिस्पोज हुई थी और जिसको लेकर बरखा आदि ने वितंडा किया, इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट में और टाइम्स में, तो टाइम्स जो मैगजीन जिसमें छपने के लिए यहाँ के सब मरते रहते हैं, उसके कवर पेज में राणा आयुवादी ने जो लिखा
वो झूठ साबित हुआ, लेकिन अब आपको मीडिया नहीं बताएगी, उस समय पूरा बितंडा चला योगी जी के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ। तो वो जो बॉडी बहाए गए थे, ये फिर से साबित हुए कि वो परंपरागत जो कई लोग समाधि देते हैं, जल समाधि, जिनके जो सन्यासी हैं उनके जिनका विवाह नहीं होता, उनका जिनको सांप काटता है उनका, ये यूपी बिहार में आज भी, कि उनको जल में प्रवाहित करते हैं, ठीक है। हालांकि सरकार ने इस पर रोक लगा रखा है, लेकिन परंपरा तुरंत तो नहीं छूटती, लोग प्रवाहित कर रहे हैं। उस बॉडी की जांच की गई, क्योंकि तो आरोप लगाया सरकार पर कि कोरोना में सरकार की अनदेखी के कारण लोगों ने बॉडी प्रवाहित कर दी, तो उस बॉडी में कोरोना के स्ट्रेन होने चाहिए, जीवाणु होने चाहिए, वो जीवाणु नहीं मिले। 50 बॉडी की जांच की गई, वो जीवाणु नहीं मिले। सीएसआईआर लैब ने ये जांच किया और कहा कि कोरोना के कोई जीवाणु नहीं है, ये आम बॉडी थे। यानी इंडिया स्पीक्स डेली जो आपको सबसे पहले कहा था, ये परंपरा के रूप से जिनको हिंदू धर्म का कुछ पता नहीं है। और मुझे याद है कि मेरे कई अच्छे समर्थकों ने मेरे पे सवाल उठा दिए कि संदीप जी, चमचागिरी इतनी भी अच्छी नहीं होती योगी जी की। मैं किसी के चमचागिरी नहीं करता, आपको ध्यान है कि मैं योगी मोदी की भी अगर जिस चीज के लिए आलोचना होनी है कर देता हूँ, करता ही हूं मैं, आपको ध्यान होगा। तो लेकिन और बाद में जब मैं ये प्रूफ देने लगा, तो वो लोग उन लोगों को सांप सूंघ गया, और फिर गाली गलौज की भाषा अपनों ने भी देना शुरू किया। उसमें आपको ध्यान होगा कि इसमें पेटिशन डाला गया था, और पेटिशन में ये कहा गया कि उसकी जो है वहां लाश बहाए गए हैं, उस पर अदालत ने कहा था, वी आर ऑफ द व्यू दैट द पेटिशनर हैज नॉट डन एनी रिसर्च रिगार्डिंग द राइट्स एंड कस्टम्स विच आर देयर दे आर वेरियस कम्युनिटीज लिविंग नियर गंगा, कि इसने कोई रिसर्च नहीं किया कि गंगा के किनारे जो बहुत सारी कम्युनिटी रहती हैं, वो अपने रिचुअल और राइट्स के तहत, यानी अपनी परंपरा के तहत, अपने अनुष्ठान के तहत सबको बहाती है। वी अलाउ हिम टू विड्रॉ द फाइल अगेन विथ सम रिसर्च वर्क, और हम उसको कह रहे हैं कि अपने जो तुम्हारा याचिका को विड्रॉ करो और रिसर्च वर्क करो। तो ये अदालत ने भी कहा था, और आज पुनः मैं कहूंगा रिपोर्ट दिखाओ कि बहती लाशों में कोई भी वायरस नहीं मिले, तो क्या बरखा दत्त माफी मांगेगी, राणा अयूब माफी मांगेगी, ये पूरा जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, पंच मक्कार बिरादरी, ये माफी मांगेगी, नहीं मांगेगी, क्योंकि बेशर्मी कारण नहीं है सिर्फ, कारण विदेशी फंड है, याद रखिएगा। और आपको बरखा दत्त तो आपको नीरा राडिया केस में दिख चुकी है, राणा आयुब जिसके पुस्तक को सुप्रीम कोर्ट ने फिक्शन करार दिया हुआ है, आपने देखा है। तो ये पूरी बिरादरी ने जानबूझ के योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने के लिए, ताकि अगले चुनाव में फायदा अखिलेश यादव को मिले, इसके लिए बड़ा प्रोपगंडा किया, लाशों को लेकर श्मशान घाट में बैठकर। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं, अगर आप लखनऊ जाएं, अखिलेश यादव ने पत्रकारों को 2 BHK फ्लैट दे रखा है, 3 BHK फ्लैट दे रखा है। एक तो बड़ा हरा टिड्डा पत्रकार है, बगीचे सहित आलिशान बंगला दे रखा है, पत्नी का अलग है, मतलब पत्रकारों को ऐसे बांटे गए अखिलेश यादव के समय। इसीलिए उन पत्रकारों ने अखिलेश यादव की लॉबिंग संभाल रखी है। और विदेशी फंड तो अलग है कि वाशिंगटन पोस्ट $1,000 दे रहा है आपको, न्यूयॉर्क टाइम्स दे रहा है, बीबीसी दे रहा है, अल जजीरा, और दुनिया को आप जो बदनाम करते हो उससे आपकी और दूसरे सोर्स से फंडिंग आती है। कल आपको बताया कि यहाँ की फंडिंग एजेंसी कैसे काम करती है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझसे गलती होगी तो मैं स्वयं माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं आपको जो अपने 15-20 साल हो गए आप जर्नलिज्म करते हुए, 2002 में आया था मैं जर्नलिज्म में, तो आज 21, 19, 20, 21, कितने साल, 20 साल हो गए, 19-20 साल, मैं उस अनुभव से, उस रिपोर्टिंग से, और ईश्वर ने हर बीच पर काम का अवसर दिया मुझे, तो उस आधार पर रिसर्च से आपको मैं बताता हूं कि ये खबर कितनी सही है और कितनी गलत है। और इसलिए ये प्रोपोगंडा पुनः फेल हुआ, बाकी लाशों का योगी जी को बदनाम करने का परखा दत्त जैसों ने सुपारी ले रखी है। और आप देखिए कि कितना फेक न्यूज फैलाती है, इसके बावजूद उसको यूट्यूब बैन नहीं करता, उल्टा यूट्यूब ने जो कंटेंट है उस कंटेंट में क्या सही है क्या
गलत है, उसमें जो कुछ लोगों को रखा है चिन्हित करने के लिए, वो सब लेफ्ट हैं, बड़खा दत्ती भी उसमें से, इसलिए यूट्यूब बैन लगाता रहता है, आप ध्यान दें। तो ये पूरी कहानी है। और जनरल बिपिन रावत वाले मामले में मैं चाइना को बड़ी नहीं करूंगा, क्योंकि चाइना के जो यहाँ इंडियन एजेंट हैं, कांग्रेस पार्टी प्रियंका नाचती रही और द हिंदू जनरल रावत के प्रति नफरत उगलता रहा, तो वो कांग्रेस पार्टी और हिंदू अखबार जैसे कम्युनिस्ट शी जिनपिंग के चेले यहाँ पर एजेंट, उनकी भूमिका संदिग्ध है, और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि मैं इससे उनको पढ़ी नहीं कर सकता। तो ये दोनों जो एजेंडे हैं वो एजेंडे ध्वस्त हुए, और मैं आप सबसे कहूंगा कि इन एजेंडों को ठीक से समझिए। इनके पीछे मेरे को, मुझे मालूम है कि मुझ पर तरह तरह के लोग आरोप लगा देते हैं, क्योंकि जब शुरुआत में करता हूं उस समय कहीं ये न्यूज नहीं आती है। मुझे याद है मैंने एक न्यूज एक पत्रकार ने, मतलब चिदम्बरम के करीबी पत्रकार ने मुझ पर 100 करोड़ का केस किया था। उस दिन मैंने कहा ये गिरफ्तार होने वाला ही, और 7:30, और मैंने 9 बजे के लाइव, तब मैं उस समय फेसबुक लाइव भी आता था, फेसबुक लाइव की पत्रकारों में पहली शुरुआत 2016 में मैंने ही की हुई, फिर मैं छोड़ देता हूँ। जैसे अभी देखो यूट्यूब को भी मैं धीरे धीरे, क्योंकि वहां मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, लाइव मैंने छोड़ ही दिया, पत्रकार कोई नहीं छोड़ेगा, कभी भविष्य में सबको दिखेगा फिर से। तो आप अगर देखोगे इसको, कि मैंने कहा सारे ने मुझे खूब गाली दिया कि कहीं आज तक में नहीं है, कहीं कल तक में नहीं है, कहीं परसों तक में नहीं है, ढूंढ ढूंढ के तू झूठ फैलाता है, मक्कार है, तूने सुपारी ले रखी है, और कल हो के उसके, मैंने कहा कि भाई गिरफ्तारी की घोषणा कल हो जाए, चिंता क्यों करते हो, और गिरफ्तारी की घोषणा हो गई। फिर मैंने रवीश कुमार के भाई को बचाने के लिए कपिल सिब्बल ने जो झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट से, वो कागज भी दिखाया, तब भी मुझे गाली दिया गया, तब भी मुझे गाली दिया गया कि झूठ बोल रहा है, और फिर मैंने कागज पेश कर दिया, और उसका भाई कभी पेश नहीं हुआ, और फर्जी दलील देकर, फर्जी फैक्ट रखकर, कुतर्क रख के, और झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट को कपिल सिब्बल ने गुमराह किया। और काशी पर भी जो मैंने आज आपको कहा, आपको वन तरफा नहीं, दोनों तरफ आज आपको वहां के अखबारों में छपा कि विग्रह टूटे और उसको हम पुनः स्थापित कर रहे हैं, तो मेरी बात तो कहीं गलत ही नहीं हुई, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट से, मेरे वहां से सोर्स, मेरी उतने अध्ययन उस हिसाब से। तो मेरा आप सबसे, कभी आप लोग भी मुझे गाली दे देते हो कई लोग लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मैं, मेरा इसीलिए मैं आपको वो बताता रहता हूँ कि देखिए इंडिया स्पीक्स डेली इस मामले में सही हुआ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि जो है क्योंकि गाली देने के बाद फिर लोग भूल जाते हैं कि वो सही था या गलत था। तो ये बात आप सबको मैं जो कहूंगा, इस पर ध्यान दें।